हेलो डी स्टूडेंट, माय सेल्फ संतोष सर। यूनिक कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। देखिए आज हम लोग बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, टेंशन इन रॉड। अभी तक आपने पढ़ा टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन कैसे मेजर करते हैं वो आपने सीख लिया। अब आपको सीखना है टेंशन इन रॉड, किसी रॉड में टेंशन कैसे मेजर करते हैं। इसीलिए इसे हमें ध्यान से देखना है। ये जेई और नीट के लिए बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट है। क्या है ये, कैसे मेजर करेंगे आप? यहाँ पे आपको यूनिटरी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। क्या होता है यूनिटरी मेथड देखेंगे अभी। तो आइए देखते हैं टेंशन इन रॉड। टेंशन इन रॉड, किसी रॉड में आप कैसे टेंशन मेजर करोगे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या करेंगे हम, यहाँ पे कोई रॉड दिया हुआ है, मान लीजिए कोई रॉड है इतना बड़ा दिया हुआ, इसमें आपको टेंशन मेजर करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें टेंशन मेजर करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, यहां से एक छोटा सा पार्ट कट करना पड़ेगा। छोटे से पार्ट को कट करेंगे, टोटल लेंथ इसका क्या होगा, इस रॉड का टोटल मास एम दिया हुआ है और टोटल लेंथ भी एल दिया हुआ है। इस पे इधर की ओर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और इसमें एक्सेशन इधर है, ठीक। तो इसके लिए आपको पहले यूनिटरी मेथड अप्लाई करना पड़ता है। यूनिटरी मेथड से भी पहले आपको एलिमेंट कट करना पड़ता है। एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे हम, यहाँ पे कोई पार्ट कट कर लीजिए जो एक्स पार्ट हो ना, एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लेते हैं, या फिर एलिमेंट कट करने का रूल जानते हो ना, एक्स लेंथ एक्स डिस्टेंस आगे बढ़कर डी एक्स एलिमेंट कट करेंगे। एक्स डिस्टेंस आगे बढ़कर हम डी एक्स एलिमेंट कट करेंगे। इसमें सबसे पहला काम दो रूल का ध्यान रखना पड़ता है। रूल वन, आपको एलिमेंट कट करना पड़ेगा, एट फर्स्ट वी कट एन एलिमेंट। एलिमेंट कट करने का क्या रूल होता है, अगर कोई एक स्ट्रेट रॉड है तो इसमें आप क्या करोगे, एक्स लेंथ आगे बढ़ेंगे और डी एक्स एलिमेंट कट करेंगे। वी कट डी एक्स एलिमेंट टू रीच एक्स डिस्टेंस फ्रॉम एनी इंड, ठीक। मान लीजिए एक रॉड है, इस रॉड में आपको किसी भी इंड से, यहां से एक्स डिस्टेंस आप आगे बढ़िए और यहां पाने पे आपको डी एक्स एलिमेंट कट कर लेना है। डी एक्स एलिमेंट आपने कट कर लिया, टोटल लेंथ इसका यहां से यहां तक एल दिया हुआ है, लेकिन एलिमेंट कट करने का रूल आप यहां से इधर की ओर कट कर लो या इधर से इधर की ओर कट कर लेंगे, ऐसे एलिमेंट कट करते हैं। तो इस पार्ट का कितना पार्ट होगा, डी एक्स पार्ट होगा, इसका मास भी स्मॉल मास होगा ना, डीएम मास होगा, डीएम, ठीक। इसके बाद आपको रूल टू होता है क्या, अगर ये सर्कुलर पाथ रहता, सर्कुलर कोई डिस्क रहता, तो वहां पे आप एलिमेंट कैसे कट करते, सर्कुलर डिस्क में आप एलिमेंट कैसे कट करते हैं, तो वहां पर ध्यान देना है। यहां से देखिए, इसे ये एक्स एक्सिस है ना, और इधर में ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल ऊपर जाएंगे और इसमें से डी थीटा एलिमेंट कट करते हैं। थीटा ऊपर जाकर कितना एलिमेंट कट किया आपने, डी थीटा, डी मतलब वेरी स्मॉल एंगल, तो ये हो गया आपका एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट कट करते हैं, दो ही टाइप का एलिमेंट कट करने की जरूरत पड़ती है। सर्कुलर पाथ पे रहेगा तो थीटा एंगल आगे बढ़ेंगे और डी थीटा एलिमेंट कट करेंगे, अगर लेंथ में है एक्स एक्सिस में है तो एक्स डिस्टेंस आगे बढ़कर डी एक्स एलिमेंट कट करेंगे। किसी भी एक इंड से आप ऐसा कर सकते हो। और दूसरा रूल क्या है, यूनिटरी मेथड अपनाना है।
यूनिटरी मेथड। आप यूनिटरी मेथड में आप क्या करोगे, यूनिटरी मेथड जानते हो ना, 6-7 क्लास में पढ़े होंगे, यूनिट लेंथ का मास। अगर मान लो कि 20 टॉफीज का कॉस्ट 100 रुपीज है, तो एक टॉफी का कॉस्ट कितना होगा, एक टॉफी का कॉस्ट 5 रुपीज ना, 20 टॉफीज का कॉस्ट है 100 रुपीज, तो 1 टॉफी का कॉस्ट 5 रुपीज। अब पूछा जाए 3 टॉफीज का कॉस्ट, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जितने का आपको पता करना पता कर सकते हो पहले, लेकिन यूनिटरी मेथड यूनिट क्वांटिटी को मेजर करना पड़ेगा पहले, और जितने का मेजर करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा ना। तो यूनिटरी मेथड करने का सेंस होएगा बच्चों कि यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, सिंस मास ऑफ रॉड ऑफ लेंथ एल इज एम है, दिया हुआ ना, कैपिटल एम मास दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, यूनिट लेंथ का मास निकालो, एल लेंथ का है ना, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, एम बाई एल यूनिट लेंथ का मास हुआ। फिर इसके बाद आपको जिस पार्ट का निकालना है उसका लिख सकते हो, आपको डीएक्स पार्ट का मेजर करना है ना मास, तो एम बाई एल इंटू डीएक्स का जो होगा ये डीएक्स पार्ट का मिल गया। इस मास को हम क्या बोलेंगे, डीएक्स पार्ट का है तो डीएम मास, स्मॉल एलिमेंट का मास है ना, मास ऑफ एलिमेंट डीएम बराबर होगा एम अपॉन एल इंटू डीएक्स होगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, इस पार्ट का टेंशन निकालिए और फिर इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल का मिल जाएगा। आइए हम इसमें इस पार्ट का ये जो एलिमेंट है ना इसका एबीडी ड्रा करता हूं, एबीडी ऑफ एलिमेंट क्या होगा, एक एलिमेंट आपका यही है ना, डीएम मास है, इस पे फोर्स लग रहा होगा एफ और इस पे टेंशन इधर क्यों होगा टी। इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्सेसन तो इसका ये इधर दिया हुआ है ना, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, एफ माइनस टी इक्वल टू डीएम ए होगा। अच्छा एक्सेसन कैसे मेजर करोगे आप, ये तो आपका एक इक्वेशन आ गया, एक्सेसन मेजर कर लेते हैं। एक्सेसन तो फुल रॉड का जितना होगा वो वही एक्सेसन इसके किसी भी पार्ट का होगा ना, किसी भी पार्ट का एक्सेसन उतना ही होगा जितना फुल रॉड का होगा। तो इसका एक्सेसन के लिए क्या लिखोगे आप, सिंस एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू होगा एफ बाई एन, ए एक्सेसन होगा। देखिए इसको एफ माइनस टी इज इक्वल टू डी एम इंटू एम अपॉन एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम हो जाएगा। और ये डीएम है कितना, एफ माइनस टी इक्वल टू डीएम कितना है, डीएम का मास कितना आया है, एम बाई एल इंटू डी एक्स, एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एफ बाई एम आ जाएगा, यही आएगा। फिर आपको मेजर क्या करना है, टी टेंशन मेजर करना है, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एफ माइनस यहाँ पे क्या होगा, इस एम से एम को कैंसिल कर दीजिए, तो एफ बाई एल डी एक्स होगा ना, एफ बाई एल डी एक्स। अब इसे आप सॉल्व करिए, टेंशन टी इज इक्वल टू होगा
एफ माइनस एल डी एक्स, यहाँ पर टेंशन भी कितना होगा, क्या फुल टेंशन होगा क्या, नहीं स्मॉल टेंशन होगा, डी टी होगा, डी टी टेंशन होगा। तो डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्मॉल, ये एलिमेंट का मेजर कर रहे हैं ना, एलिमेंट का तो डी टी होगा, यहाँ पे आप डी टी लिखोगे। अब देखो जरा डी टी इज इक्वल टू एफ माइनस एफ बाई एल डी एक्स है, इंटीग्रेट कर दीजिए। अब टेंशन इन फुल रॉड, ओके फुल रॉड में टेंशन मेजर करना है, इंटीग्रेट कर देंगे। डी टी इक्वल टू एफ माइनस एफ बाई एल डी एक्स, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे आप, यहां पर वेरिएबल कौन है, एक्स वेरिएबल है ना, तो कहां से कहां तक, जीरो से एल तक। जब यहां पर जीरो है, जब यहां पे लेंथ इसका जीरो है तो कोई टेंशन नहीं, जीरो टेंशन, और जब इसका लेंथ एल हो जाता है तो टेंशन भी यहां टी हो जाएगा। इसका ले लीजिए ये टी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या लिखेंगे अब, एफ जीरो से एल माइनस एफ बाई एल बी एक्स, जीरो से एल होगा, ये तो कांस्टेंट है, सब कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। फिर आप यहां पर टी इज इक्वल टू जीरो माइनस, अब इसे क्या लिखेंगे, एफ बाई एल कॉन्स्टेंट है बाहर कर दीजिए, एफ बाई एल और ये जीरो से एल डी एक्स होगा, टी बराबर माइनस एफ बाई एल डी एक्स क्या होगा, एक्स जीरो से एल हो गया, मतलब टी बराबर माइनस एफ बाई एल इंटू एल माइनस जीरो, टी बराबर माइनस एफ बाई एल माइनस एफ बाई एल इंटू एल, एल से एल कैंसिल, टी बराबर हो जाएगा माइनस एफ, होगा ना। इसमें फुल रॉड में टेंशन क्या होगा, जितना टेंशन है उसके अपोजिट में होगा, फोर्स इसके अपोजिट में होगा। अगर किसी पार्ट के बात करते हैं आप, किसी पार्ट में अगर आपको टेंशन मेजर करना है किसी पार्ट में, जैसे डी टी इज इक्वल टू एफ माइनस एफ बाई एल डी एक्स है, इस पार्ट का टेंशन ये आया, दूसरे मेथड से भी आप बना सकते हो इसे। सेकंड मेथड क्या होगा, बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें, वहां पे आपने देखा ना, यहां से आप एक्स एक्स पार्ट कट कर लिए, एक्स पार्ट मान लीजिए ये रॉड है इतना बड़ा, इसमें से आप इतने पार्ट को कट कर लिए, एक्स पार्ट हो गया, इस एक्स पार्ट में आपको जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जब एक्सेशन है, तो इस एक्स पार्ट का हमें लिख लेना है, इधर में फोर्स है, इधर को एक्सेशन हो गया, इसका मास हो जाएगा कितना, एक्स पार्ट है, इसका मास क्या लिखोगे, एम बाई एल इंटू एक्स ना, मास क्या होगा, मास बराबर एम बाई एल इंटू एक्स, यूनिट लेंथ का मास इंटू एक्स, जितने पार्ट का एक्स पार्ट का मास मेजर करना उतने पार्ट का लिख देंगे हम यहाँ, एम बाई एल इंटू एक्स। अब क्या होगा, इसका एबीडी बनाइए, अच्छा इसका एक्सेशन क्या होगा, फुल ब्लॉक का एक्सेशन ए बराबर ए बाई एम होगा, एक्सेशन ये हो जाए, तो इसका एबीडी, इसका टेंशन किधर होगा, टेंशन इधर होगा, क्या इक्वेशन लिखेंगे आप, एफ माइनस टी बराबर एम ए स्मॉल एम, इसका स्मॉल एम मान लीजिए ना, इसका स्मॉल मास एम हो जाएगा, तो एफ माइनस टी
इज इक्वल टू इस मास को क्या लिखोगे आप, यही है ना, m by l into x into, ये एक्सेशन कितना आया है, f by m कैपिटल m लिखेंगे, f by m है तो कोई कैंसिल हो सकता है क्या, m से m कैंसिल, तो t बराबर आ जाएगा f माइनस f by l into x, ठीक है। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, यहां पर l कॉमन आया, यहां पर f l माइनस f x हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या करोगे आप, यहां से एक कॉमन ले लीजिए, f कॉमन क्या आएगा, वन माइनस x by l, ठीक है, x by l हो जाएगा। टेंशन ऐसे ही मेजर करते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वीडियो को डेली देखते रहिए, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लाते जा रहा हूँ। आप अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करना चाहते हो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर बेसिक आप सेकंड मेथड को भी अप्लाई कर लोगे आसानी से, ठीक। एलिमेंट करने का रूल हमने सीखा है, तो ठीक है बच्चों, आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक बच्चे को भी शेयर करिए इसे, और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं इंस्पायर होकर आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँ, कंसेप्ट लाता रहूँ, ठीक है। डेली देखिए वीडियो, वीडियो पॉज करके इसे बार बार देखिए, रिपीट करिए, बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट ला रहा हूँ। कहीं भी डाउट हो उसे कमेंट भी करिए व्हाट्सएप पे, ठीक, मैं रिप्लाई दूंगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।